बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है वो रेगुलर जो हमारे देसी खानों की सीरीज़ है, घरेलू खानों की, उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे जो है फीडबैक भी दे रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट थी कि करेला कीमा जो है सिखाया जाए, तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए करेले कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ। करेले बहुत अच्छे आ गए हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे आते हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं, न्यूट्रिशियस भी बहुत होते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि वो करेले ज़रूर खाया करें। अच्छा, करेलों के लिए जो है मैंने यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा हैं करेले, लेकिन मैं हाफ़ के जी यूज़ करूँगी। ठीक है, हाफ़ के जी जो है आप करेले ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ के लीजिएगा, बहुत बड़े नहीं लीजिएगा, बहुत छोटे भी नहीं लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है मैंने दो से तीन जो है वो प्याज डलेंगी। दो स्टेप में बनेगा ये, पहले कीमा इसका बनेगा और फिर जो है इसका मसाला बनेगा। दही जो है यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप लूँगी। टमाटर जो है 3 से 4 हैं। लेमन जूस है 3 टेबल स्पून। कीमा जो है आधा किलो है, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं इतना लूँगी। ठीक है, आधा किलो अगर करेले लूँगी तो फिर इसमें कीमा कम जाएगा। और लहसुन अदरक है 2 टीस्पून। ऑयल जाएगा इसमें हाफ़ कप के करीब जाएगा, फिर फ्राई करने के लिए बाद में लेंगे। और मसाले जो हैं हमारे, जब मैं डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। देखिए, इस तरह से करेले छील लीजिए अच्छी तरह से, पूरा छील के, और इसके अंदर शीरा लगाएंगे, इस पर नमक लगाएंगे, तो इसके अंदर जो है बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। देखिए, इसको अच्छी तरह से छील लिया, इसके अंदर से चीरा करके, और फिर इसके जो बीज हैं वो सारे आप निकाल दीजिए। और अगर आप डायबिटिक हैं और आप बीज खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए, इससे शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ ये मैं अपनी डाइट में जब मैं बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ये डालती हूँ, ताकि जो है ये बहुत अच्छे बन जाते हैं इससे, और इसकी हिफाजत भी बहुत है। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं तो मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से पूरे साफ़ करके, और इस तरह से सारे हम करेले छीलेंगे, इन पर नमक लगाएंगे, नमक अच्छा जेनरस नमक लगाएंगे, और फिर इसको जो है थोड़ी देर छोड़ देंगे। हम नमक लगा के तकरीबन जो है 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, देखिए करेले छील के साफ़ सुथरे हो गए हैं, अंदर से हमने बीज भी निकाल लिए हैं, और अब मैं इसमें नमक लगा रही हूँ। नमक इसमें ज़्यादा लगेगा, तकरीबन जो है 1 किलो करेले में मैं 4 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि इसकी कड़वाहट जो है वो निकालनी ज़रूरी है। ठीक है, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच नमक डालिएगा, परेशान नहीं होइएगा, नमक ही ज़्यादा नहीं होगा ये। और फिर जो है इसको हम काफ़ी 1 घंटे के लिए इसको रख देते हैं, ताकि ये अपनी जो है वो नमक छोड़ दे। इसके ऊपर हम कोई वज़न रखते हैं, वज़न रख के और इसके ऊपर ढक्कन ढक के फिर जो है इसको हम उबालने के लिए रखेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से नमक हम सब में लगा देंगे अंदर बाहर अच्छी तरह से, ये जो है इसकी कड़वाहट निकल जाए। ये बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे, आप इसको जो है नमक सही तरह से लगाइएगा अंदर बाहर, और इसको जो है किसी ढक्कन से ढक के और इसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा, ताकि ये अपनी कड़वाहट छोड़ दे। देखिए, इसको किसी प्लेट से ढक के और इसके ऊपर वज़न रख दीजिए, ताकि ये जो है ये अपनी सारी कड़वाहट जो है वो निकाल देगा। इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और आगे का प्रोसेस हम कीमा बनाना के शुरू करते हैं। अच्छा, 1/4 कप ऑयल डाल रहे हैं इसमें हम। इसमें जो है आधी प्याज हम डालेंगे, यानी कि 1.5 के करीब प्याज हम इसमें डालेंगे, फिर 1.5 जो है हम मसाले में डालेंगे। हल्की सी इसको सौते करेंगे। अच्छा, अब जहाँ जब तक ये इसकी प्याज ब्राउन हो रही है, हम इसका मसाला भून लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लेंगे, 1.5 के करीब प्याज इसमें डाल देंगे। अब ये देखें, हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो है वो 2 टीस्पून लहसुन अदरक डालेंगे। ये 4 टमाटर हैं हमारे पास, तकरीबन 2 के करीब हम इसमें डालेंगे, 2 जो है हम ग्रेवी में डालेंगे। अच्छा, मैं कीमा सारा ही ले रही हूँ, आधा किलो, इसलिए मैं सारी क्वांटिटी बना रही हूँ। 1 किलो करेले हैं और आधा किलो जो है कीमा है। अब हम मसाले डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी कीमे में डालेंगे हम, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसलिए कि करेले में भी नमक होगा, मसाले में भी जाएगा, तो बस 1 टीस्पून डालिएगा, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कीमे को थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे। पानी इस वक्त नहीं डालेंगे, इसलिए कि टमाटर का पानी भी निकलेगा, तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। पानी डालेंगे तो फिर टमाटर गलेगा नहीं।
अब यहाँ पर हमने जो प्याज लाल करने रखी थी वो थोड़ी सी गोल्डन होती है, तो फिर इसमें भी मसाले डालते हैं। अच्छा देखिए, करेले को तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटा जो है वो नमक लगा के रख दिया था। इसका ये देखिए, ये सारा पानी जो है, ये कड़वा पानी निकल रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह से 4 से 5 बार धोएंगे ताकि इसका सारा नमक एक्सेस जो है वो सारा रिलीज़ हो जाए, और फिर इसको जो है हम बॉईल करने रखते हैं। इसको हम 3-4 डन हो जाएँ जब तक इसको 75% बॉयल करेंगे। अच्छा देखिए, हम इसके थर्ड प्रोसेस पर आ गए हैं। करेले हमने छील के नमक लगा के जो है उसको छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे हमने कीमा बना लिया है। अब इनका जो मसाला ग्रेवी बनेगी ना, वो हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो है वो बकाया आधी प्याज हमने इसमें डाली। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्की सी गोल्डन होगी तो बाकी की चीज़ें डालेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी दूसरी भी दाल सब्जियों की रेसिपीज़ हैं, देसी जो कुजीन है हमारी रोज़मर्रा के खानों की, उसमें बहुत सारी और रेसिपीज़ हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, भिंडी है, भिंडी दो प्याज़ा है, कुरकुरी भिंडी है, बहुत सारी हमने रेसिपीज़ बनाई हैं। दालें बहुत तरह की बनाई हैं, जीटी रोट की दाल है, और बहुत सारी हमारे पास रेसिपीज़ हैं। आप ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए अगर आप लोग उनसे मिस हो गई हैं तो। स्टेप बाय स्टेप करें, कोई मुश्किल नहीं है। पहले स्टेप हमने करेले का कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने कीमा बना लिया, अब तीसरे स्टेप में मसाला बन गया। यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाल देंगे हम। ये बकाया टमाटर डाल देंगे, 4 से 5 लिए थे टमाटर हमने, बड़े हैं तो 4 लीजिए, मीडियम है तो 5 लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला इसमें हम डालेंगे, बस थोड़ा डालेंगे इसलिए कि कीमे में भी होगा और जो है फिर इसमें भी थोड़ा जाएगा। 1 चम्मच के करीब मैंने जो है वो लाल मिर्चें डाली हैं, हल्दी 1/2 चम्मच, ज़ीरा 2 चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, धनिया पाउडर 2 चम्मच। मेरी इसकी स्पून छोटी होती है इसलिए मैं 3 चम्मच डालती हूँ, लेकिन आप नॉर्मल स्पून से लेंगे तो 2 टीस्पून लीजिएगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका मसाला भुन जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। साथ ही यहाँ पे भी एक नज़र देखते हैं कीमे को। देखिए टमाटर गलना शुरू हो गए हैं, हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, वरना टमाटर के जो छिलके हैं वो सही गलते नहीं हैं। इसी में जो है टमाटर जो है पक जाएंगे, कीमा भी गल जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला चिपके नहीं इसलिए। अच्छा देखिए, कीमा हमने बना लिया था, ये ठंडा हो गया। अब इसमें मैं जो है वो धनिया पुदीना थोड़ा सा डालूंगी। यहाँ पर जो है हमारे करेले तैयार हैं, ये बॉईल होके आ गए हैं, और यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से फिल करना है, और फिर आगे के प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, बिल्कुल साफ बॉयल हो गए हैं, इसकी सारी कड़वाहट भी निकल चुकी है। इसमें हम 1-1 चम्मच भरेंगे और इसको धागे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से सारे भर लेंगे, इस तरह से इसको हम धागे से बांध देंगे ताकि जो है इसके अंदर से स्टफिंग इसकी ना गिरे। ठीक है, इस तरह से हम सारे बनाते जाते हैं। अच्छा देखें, ये यहाँ पे हमने मसाला जो भूनने के लिए रखा था अच्छी तरह से भुन गया है। अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें दही डालेंगे। तकरीबन जो है वो 1 कप के करीब मैं दही डाल रही हूँ इसमें। अच्छा देखें, ये हमने दही डाली है। अब दही इसमें थोड़ी भुनेगी, इसके साथ ही जो मैं बचा हुआ कीमा है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब, जितना आपको पसंद है इसमें मैं डालूंगी, ताकि जब इसका हम वो खाएं करेले तो ये हमें बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देगा। और इसके साथ ही अब यहाँ पर देखें 2 स्टेप्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको स्टेज पर इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऑयल अवॉइड कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। इस तरह से डालें इसको, सारा बचा हुआ कीमा डाल दें इसमें। बस अब इसको कवर कर देते हैं हम 10-15 मिनट के लिए, जब तक करेले जो हैं दम पे आ जाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी शक्ल आई है, बिल्कुल रेडी जैसे होते हैं हम लोगों के घर में बनते हैं इसी तरह से बने हैं। हल्का हल्का कीमा भी है इसमें, और ये देखें ये बिल्कुल अच्छे टेंडर हो गए हैं। ये देखें मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें आखिरी में लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन
2 लेमन का जूस मैंने डाला है, हरा धनिया डालेंगे और जो है इसको डिश आउट करते हैं। देखिए मेरे हिसाब से आप इस तरह के बनाएंगे तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल हल्की सी अगर हो तो वो आप जो है इसको देख लीजिएगा। हल्के से कड़वाहट होनी भी वैसे तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो आप इसको और ज़्यादा जो है उबाले भी हैं हमने, और इसको जो है हमने इसको अच्छा खासा नमक लगा के अच्छी खासी देर इसको जो है रख दिया था ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। मैं जो है इसमें पर्सनली ये बीज पसंद करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर जो है लोग इसको करेले को इस स्टेज पे कीमे में डालने से पहले फ्राई करते हैं, मैंने फ्राई नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने ऑयल अवॉइड करने की वजह से नहीं किया है। इसको डिश आउट करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे जो नए मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे नए कस्टमर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप टिन पैकिंग का हमेशा बताती हैं, तो हमें ज़रा सा इसकी डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने लिए जाते हैं। तो सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे आ रही हैं, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें इस तरह से हम टिन पैक में देते हैं। एक छोटी पैकिंग भी है, एक इससे बड़ी भी आती है। ये जो है ये 2 से 3 लोगों के लिए इनफ होता है, डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ योर मेन्यू। जैसे दम का कीमा है ये 3 लोग आराम से खा लेते हैं 1/2 kg में, वरना 2 लोगों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये आप जो है बिल्कुल सेफ़ है, इसको आप हर जगह ले जा सकते हैं, बाहर जहाँ पे जा रहे होते हैं आप उम्रे वगैरह के लिए, हज के लिए, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में हलाल गोश्त के जहाँ पे प्रॉब्लम है, अमेरिका में, कहीं पे भी आप पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये जो है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। और इसको जो है मैं कैंस में भी देती हूँ और पाउचेस में भी देती हूँ। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव, वो भी वगैरह जाता है, और आपकी भी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं तो वो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं, बहुत से लोग ले जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, बच्चे बाहर बहुत से लोगों के पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी चाहिए होता है। तो सारी चीज़ें सारी जो है मेरे पास अवेलेबल होती हैं यहाँ पर जो है। आप इसको नीचे सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऑर्डर करने हो तो। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।